थोड़ा सा नीचे कर, वो कितना बोसीदा, कितना सर कितना जज साहिबान का ये खत जो है ये पाकिस्तान की अदालती तारीख आईने और कानूनी तारीख में एक अनोखा वाकया है और दुनिया की तारीख में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है जहां एक ही हाई कोर्ट के छः जज साहिबान मुश्तरका तौर पे अपनी रुदाल बताते हैं कि उन पर क्या गुजरी है। ज़रा थोड़ा सा खामोश हो जाएगा प्लीज़। वो ये बता रहे हैं कि वो जज साहिबान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और ये अपने साथ जो सलूक रवा रखा गया, उनके रिश्तेदारों को अफवाह किया गया, काल से भी आप क्यों इतना शोर कर रहे हैं, बहुत अफसोस। अब सारी फ्लो जो है ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। आप फिक्र कर रहे थे अरबी साहब के जो उनकी फैमिली को उठाया गया, जो हक में मेंशन है, जो चीज़ें मेंशन है, देखिए जो ये खत है, ये खत इस निज़ाम के मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ है और इसके ज़िम्मेदारान का भी तयन होना चाहिए। पांच चीज़ें इससे वाज़े हैं। नंबर वन, अदालती निज़ाम को दो साल के अंदर खुद साबिका चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट बंदियाल साहब और इसके अलावा मौजूदा हाई कोर्ट्स में वो जज साहिबान जिनके बारे में खुद जज साहिबान ने राय दी है कि वो कानून की हुक्मरानी के साथ न खड़े हो सके, वो भी जिम्मेवार हैं। ये बेंचेस किस तरह बने, किस तरह सियासी केसेस मखसूस बेंचेस को दिए गए, किस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी साहब, इन तमाम केसेस के बेंचेस वही रहे, मकसूद चपरासी, इवन फील्ड का जो 18 अरब रुपए का एक घर जो है मलिक रियाज को बेचा गया वो भी ख़त्म हुआ, नवाज शरीफ की तमाम सज़ाएं ख़त्म हुई, आते ही आते अकड़ियाँ नहीं लगी, वही बेंच, फिर वही बेंचेस जो डिफरेंट बेंच जो हैं खान साहब के लिए मखसूस बेंचेस, माता तदलिया जो इस्लामाबाद की हैं इसकी भी हालत इजार सामने आ गई है कि उनको भी टेरराइज किया गया, उनसे मनमानी फैसले दिलवाए गए। तो लिहाजा जो पांच चीज़ें हैं, नंबर वन कि इसमें अदलिया के अंदर अपने सहूलतकार हैं, नंबर दो अपने अल्फ के तहत सुपीरियर अदलिया का हर जज पाबंद हैं कि ऐसी इंटरफियरेंस को ना भी कहें और इसका अदाला वो खुद कर सकते हैं। कवीन अदालत इससे बड़ी क्या हो सकती है कि आपको पता है कि वो आपको अपने फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डाल रहे हैं। तो लिहाजा ये तवीन अदालत भी हुई है, ये जस्टिस अब्सट्रक्ट भी हुआ है और अगर इसकी शफाफ इंक्वायरी की गई ओपन कोर्ट में, लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बैठे हैं तो बहुत से चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे। ये एक मौका है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास कि अपनी अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ भी करें और निज़ाम में आइंदा के लिए ऐसी चीज़ों को दोबारा पैदा होने से रोकने के लिए इकदाम करें। खान साहब जो सज़ाएं हैं वो इस एक लेटर ने उनको इनविलिडेट कर दिया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पीडीएम की जितनी बरीयतें हैं उन तमाम बरीयतों का इन्होंने आइना दिखा दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि न कि सिर्फ इसके ओपन ट्रायल हो पूरी दुनिया देखे ये किस तरह पाकिस्तान की अदलिया जो है अपने घर को बचाती हैं कानून की हुक्मरानी के लिए और अदलिया की अपनी आज़ादी के लिए। और सलाम पेश करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन तमाम छः जज साहिबान को, ठीक है, जिन्होंने इंतहाई जुर्रत का मुजाहरा किया है और आज इस बड़ी बुलंद ये जो बिल्डिंग है आलीशान, आज इसकी कदर हमें महसूस हो रही है कि इसमें बैठे हुए लोग बड़े कदरदान लोग हैं। ठीक है, अच्छा मैडम साहब ये बता दें कि वकला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद मुतालबा कर रहा है, आप ये कहना चाहेंगे? मैं चूँकि इसमें आमिर फारूक साहब पे बराह रास्त इल्ज़ाम आए किए हैं कुलीग जज साहिबान ने,
और ये कोई लिटिगेंट की जबान नहीं है ना किसी वकील की जबान है, ये इसी हाई कोर्ट की चीज जज साहिबान की जबान है, यानी इस हाई कोर्ट की जबान है। बड़े ही संजीदा इकदाम हैं। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरी राय में मुस्तफी होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर से अभी यही सवाल किया था, वो कहते हैं कि हम इस ये मुतालबा नहीं करते। बैरिस्टर गौहर साहब अपनी ज़ाती राय रखे होंगे या पार्टी की पॉलिसी वो बयान कर सकते हैं, मैं अपनी ज़ाती राय ये बयान। ठीक है गाजी फाजी सर, साथ ही क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस हाथ को लेकर? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सात आठ महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है बल्कि एक साल होने को हैं, काजी भाई तीसरा साथ की भी आज पाकिस्तान है और इस दौरान ये सारे काम हो रहे हैं और हकमिली का किया है। भाई काजी भाई तीसरा साहब के नोटिस में भी ये सारी चीज़ें लाई गई है, ये इस हद का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था बल्कि अस्खुद नोटिस पहले से दिया जाना चाहिए। क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं? जलसे की इजाज़त मिल रही है, अजीम उशान जलसा होगा 6 अप्रैल को रात 10 बजे परेड ग्राउंड में। पूरे पाकिस्तान को दावत है कैदी 804 के लिए ये एहतजाज है और इस बोसीदा निज़ाम के ख़िलाफ़ ये एहतजाज हैं, जिनकी एक शक्ल आपने इस खत से देख ली है। जो हम 2 सालों से चीफ चीफ के कौम को बता रहे थे कि सारी चीज़ें कम्प्रोमाइज हैं, जब हाई कोर्ट के जज साहिबान पे इस तरह ये हाथ डाल सकते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो ARO DRO थे उनके औकात ही क्या है? जो मैंडेट चोरी हुआ है उसकी भी तस्दीक होती है, जो खान को सजाएं हैं वो भी इनवैलिडेट होती हैं और जो बरीयतें हैं नवाज शरीफ फैमिली की वो भी इनवैलिडेट होती हैं। अच्छा सर, कमिश्नर साहब ने भी ये बयान दिया था आरोप के हवाले से कि 70,000 से जी वही दरअसल चले गए, वो अपने बयान से बदल गए थे सर। देखिए जी, बात में बयान एक दफ़ा आता है जो ओरिजिनल और फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, और इसको दोबारा अगर कन्वल्यूट या परवर्ट या पलूट करें तो वो जो सेकंड स्टेटमेंट होता है। देखिए कमिश्नर जो हैं उसको पागल कुत्ते ने काटा था कि अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, अचानक ज़मीर गया तो मजबूर हो के चीख उठा और उसने कहा ये हुआ है और हुआ है। 13 हलके हैं पिंडी में, सारी दुनिया वोटर तमाम आज़ाद उम्मीदवार तमाम पार्टियां कह रही है कि ये मैंडेट जो है PTI का जो है इस पर डाका डाला है, आवाम के मैंडेट पर डाला। ये बहुत ही संगीन जुर्म है। जज साहिबान ने पाकिस्तान में आईन के खिलाफ गद्दारी की निशानदेही की है, तो लिहाजा ये इन संगीन इल्ज़ाम की रोज़ाना की बुनियाद पे समाप्त होनी चाहिए। कब जान छूटेगी? ख़त्म होने दो इस किस्से को। रोज़ाना एक न एक जो है कड़ा कुकल जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है अब तो। लिहाजा गुजारिश ये है, पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को लाना है, और अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है तो जिस तरह अहमदाबाद वाक़े पे अदलिया खामोश रही, सलाला टेक पे खामोश रही, APS पे खामोश रही, 12 मई कराची के वाक़ियात पे खामोश रही, 9 मई के वाक़ियात पे आज तक खामोश हैं, इस पर भी खामोशी इख्तियार कर लें, मुल्क का बट्टा वैसे ही बैठ रहा है। तो लिहाजा फिर तैयारी करें पुल पढ़ने की, क्योंकि इस मुल्क से हम और क्या, पाकिस्तान का जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक जस्टिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसमें दर्जाबंदी की गई है कि किस मुल्क का निज़ाम इंसाफ और किस मुल्क में कानून की हुक्मरानी किस दर्जे पे है। 128 ममालिक टोटल हैं, इसमें 118 नंबर पे दर्जाबंदी पाकिस्तान की 6 माह कबल थी, और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन चोरी हुई है इससे अब दोबारा अगर दर्जाबंदी होगी तो पाकिस्तान 128वें नंबर पर आएगा। इंडिया 69 नंबर पर है और हमसे जो पीछे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, वो जो है 121वें नंबर पे है। सर, ट्रियान केस में